दोस्तों आज की इस नए वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाया जाता है। आप अपने मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, तो किस प्रकार से लगाया जाता है और किस प्रकार से हटाया भी जाता है। अगर इन फ्यूचर में आपको फिंगरप्रिंट लॉक हटाना पड़ जाए तो इस वीडियो में मैं आपको सारा कम्प्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे फिंगरप्रिंट अपने फ़ोन में लगाया जाता है और कैसे हटाया जाता है। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे लेके चलते हैं, वहीं पे सारा कुछ जानकारी आपको बताया जाएगा। सबसे पहले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए आपको सेटिंग में आना होगा, तो चलिए हम यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर लेते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने में देखिए बहुत सारा सेटिंग का ऑप्शन ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में ऊपर में ही एक ऑप्शन रहेगा तो फिंगरप्रिंट का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद जो भी आप पासवर्ड सेट किए हैं वो यहाँ पर आप इंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा एड फिंगरप्रिंट, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए जो आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है स्क्रीन पे, इस तरीके से आपको उंगली को अपने फिंगर को सेंसर के पास लेके जाना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि यह है रहा सेंसर, तो यहां पे चलिए हम यहां पे उंगली को सटाएंगे। तो यहां पे देखिए मेरा फिंगरप्रिंट जो लगना स्टार्ट हो चुका है, तो सटा के फिर से फिंगर को एकदम अच्छे से सटाइए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे इस तरीके पे सेंसर पे। तो यहाँ पे पूरी तरीके से जब तक ये लोड नहीं हो जाता है आपके फिंगरप्रिंट से, तो सटा के उसके बाद हटाते रहिए अपने फिंगर को। तो चलिए हम यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ओपन हो गया है, तो इसको बैक कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरा हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर से आपको सटाना होगा, फिंगर पे सटाना होगा जब तक ये पूरा क्लियर लोड नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसके बाद ओके पे आप क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। तो चलिए हम आपको एक बार खोल के भी ओपन करके भी दिखाते हैं। तो यह आप यहां पे देख सकते हैं, इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पे पासवर्ड मांग रहा है। तो चलिए हम यहां पे फिंगरप्रिंट आपको सटा के देखते हैं। तो यहां पे देखिए मैं अपने पीछे में फिंगरप्रिंट सटाया, ये खुल गया। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको फिर से पासवर्ड यहाँ पे मांग रहा है, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सटाए तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पे कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। अगर आपको इस फिंगरप्रिंट को डिलीट करना है और अपने दसों उंगली का जो है आपको फिंगरप्रिंट सेट करना है, तो फिर से आप सेटिंग में आएंगे, फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप अपना पासवर्ड दे देंगे जो भी आप सेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऐड फिंगरप्रिंट पे आप क्लिक करेंगे अगर आपको और भी फिंगरप्रिंट लॉक लगाना है। उसके बाद नहीं तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट वन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो आपको डिलीट फिंगरप्रिंट पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं, डिलीट फिंगरप्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे ओके करने पे आपका फिंगरप्रिंट हट जाएगा। तो फिंगरप्रिंट हटने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं आपको कोई भी फिंगरप्रिंट यहां पे काम नहीं करेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको बताया कि कैसे फिंगरप्रिंट लॉक लगाया जाता है और कैसे जो है उसको डिलीट भी किया जाता है। आप अपने सभी उंगली का जो है फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन है आप एक ही उंगली का फिंगरप्रिंट लगाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों फिर तो दोस्तों आप इसी तरीके से फिंगरप्रिंट लॉक जो है लगा सकते हैं, और आपका मन है तो हटाने का आप हटा भी सकते हैं। फिंगरप्रिंट लॉक कैसे हटाया जाता है यह भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी बता सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।